जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये जो एग्जाम का वीडियो मैंने बनाया है, पहले पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें, ठीक है, मैंने एक्चुअली ये एग्जाम मैंने 6 बार दिया है। तीन का एग्जाम का कुछ हर पैटर्न में क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं है, 60 क्वेश्चन आता है, पहले भी मैंने बता दिया। 90 मिनट आपके पास होता है, 100, ठीक है, और 75, आपको 75% आपको आंसर करना होता है, मतलब 45, ठीक है। पिछले तीन क्वेश्चन सेट मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, और इस वीडियो में तीन, और इसके साथ फाइनल जो मैंने पास किया वो भी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। जिसके क्वेश्चन स्टार्टिंग, ये देखिए, 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी कम्प्लीट कर दिए थे। किसी को भी ले एक, अरे भाई आजा। एक में 26, दूसरे में 36, में 41। अब आते हैं फोर्थ में, देखिए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन, ये इसमें 43 है, इसके बाद 44 होगा, उसके बाद 46 होगा, ऐसा कुछ है। क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए, मैं अपने आप को छोटा करता हूँ। मैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ देखिए, करेक्ट आंसर, द ओल्ड डिवाइस विल बी एनरोल्ड, ये गलत है। 128, अब थोड़ा टनल विथ लोकल प्रॉक्सी, ये वो व्हाट इज द प्रोपी टू यूज अ होस्टेड डीबी ऑथेंटिकेशन, देखो 2 4 हाउ मेनी डिपेंडमेंट्स कैन, एक यूजर कितना, ये पहले भी आया है, एक यूजर, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू डीटीएलएस टीएलएस, तो एचटीटीपी कनेक्ट और एचटीटीपी कनेक्ट, एचटीटीपी सर, एचटीटीपी गलत फिर हुआ। ये क्वेश्चन पहले भी, डीएनएस की फिल्टरिंग में क्या क्या रहता है, अलाउ, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और ब्लॉक, ठीक है। कितने मिनट के बाद एक कैप्चर ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है, 5 मिनट के बाद। ये फोल्डर जब हम कैप्चर करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है, ये देखो, सी प्रोग्राम डेटा, जी स्केलर में होता है, ठीक है। एंटरप्राइज वी में होता है, ऑथेंटिकेशन ZAB, ठीक है, ये डेली होता है। क्या दे, व्हेन यूजिंग कस्टम फ्रीक्वेंट, व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्ट और एक्सेप्टेबल यूज प्रॉक्सी, व्हाट वैल्यू कैन द इंटरवल 1 दिन में, ये भी करेक्ट, यूज ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछली बार गलत दिया था मैंने आंसर, ठीक है। तो ये 4 चूज 4, वीपीएन नेटवर्क बात छोड़ के बाकी सब सही आंसर है। अच्छा, व्हाट टू ऑप्शन अवेलेबल, कॉन्फिगर जिसके क्लाइंट कनेक्टर यूजिंग एजेंट यूज टू डोमेन बेस और ग्लोबल, ये भी करेक्ट आंसर है। द टोकन वैल्यू इज पास टू क्लाइंट कनेक्टर, ये गलत हो गया। अच्छा, ये गलत हो, करेक्ट आंसर है 900, सॉरी 9000, ये भी गलत, ये भी गलत, ये करेक्ट है जेड, ये मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन 3 4 बार आया, ZEN होगा ये। अच्छा, ये 3 है, कनेक्ट ऑटोमेटिक कौन ब्लॉक और अनलोन डीएनएस, क्या दे, ये डीएनएस टनलिंग अप्लाइड आर असाइन टू ZIF, ये जो सिंक्रोनाइज है मंथली वीकली डेली, ये पहले भी आया है। नेटवर्क चेंजेस नेवर एनफोर्स, ये भी करेक्ट आंसर है, कॉन्फिगर जिसका। अच्छा, ये भी करेक्ट आंसर है, ये देखिए मैंने बोला था ना, ये लास्ट में आया है, लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ लेता है, वो कौन सा अरेंज होता है, 164, ये जिस कलर का है, ये आप ही पाए, विंडोज का, वंस पर सेकेंड बैंडविड्थ कंट्रोल चेक होता है, ये FQDN नहीं होगा, ये शायद याद नहीं है, टी शर्ट की होगा, पता नहीं, भूल गए। ये देखिए, डायनामिक आईपी के लिए क्या होता है, EFQDN होगा, ये अप्रिशिएट की, ये सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ होगा, भूला 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 गया, ये पता नहीं, इसके लिए FX कुछ सिंटेक्स है। अच्छा, ए सिंगल सर्विसेज VM प्रोवाइड थ्रूपुट अप टू 600 Mbps, बॉटनेट के लिए, ये डीएनएस टनलिंग, ये भी गलत हो गया। देखो, ये क्वेश्चन फिर आ गया, गेटवे दिए टनल विथ लोकल प्रॉक्सी,
ओनली व्हेन बैंडविड्थ कनेक्टेड इज प्रेजेंट वन टाइम वन, ये भी ये हो गया था मुझे लोक, ये देखिए ये आंसर सही है, 4 बार में ये सही हुआ। लोकल रोड लोकेशन मतलब जो एसएसएल इंस्पेक्शन होता है क्लाइंट कनेक्टर में, ये गलत, ये सही है एज ए वी एम, गलत आंसर इनक्रिप्टेड डीटीएलएस, ये गेटवे मैप्रो, ये नहीं, ये गलत आंसर है, ये शायद एंड्रॉयड एंटरप्राइज होगा, पता नहीं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, क्लोज पब्लिक सर्विसेज नोड, ये देखो फिर गलत आया, ये 3 क्वेश्चन पहले भी आया है, पता है आपको, 363 सॉरी 6361, ये गलत आंसर, गलत आंसर, गलत। हाँ इन द जेड आई ए होस्टेड डीबी, ये पहले भी आया है, देखो ये फिर गलत आया, 4 नहीं होगा, ये 16 है, हाँ ये इसका 16 है। क्या दे, हाउ मेनी डिवाइस टोकन कैन यू कैन क्रिएट क्लाइंट कनेक्टर आईडीबी ऑथेंटिकेशन डिवाइस टोकन, 16 यूज कर सकते हो। अच्छा ये पे आंसर ठीक है, तो इसमें कितना आया मेरा, आया 43, फिर गया। ये और भी बढ़िया था, एक के लिए फेल हो गया। ठीक है, इसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलेगा, राइट आंसर, ये भी राइट आंसर, राइट आंसर, ये डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, ये गलत हो गया, ये देखो ये क्वेश्चंस था 3, टीएलएस और डीटीएलएस, बॉटनेट, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस टोकन, ये एक क्वेश्चन में था, ये भी एक था, विच स्टेटमेंट अबाउट जिसके लिए कनेक्ट या प्रोफाइल इज करेक्ट, अ फॉरवर्डिंग प्रोफाइल कैन बी अटैच्ड वन और मोर ऐप प्रोफाइल, एक फॉरवर्डिंग प्रोफाइल बनाओगे तो आप काफी सारे ऐप प्रोफाइल में कॉल कर सकते हो, ये भी गलत निकला। डोमेन बेस और ग्लोबल, ये 2 या 3 नंबर सेट में था ये क्वेश्चंस, इसमें आप इंपोर्ट करते हो सीबीएस में और एडमिन ऑथेंटिकेशन और यूजर मैनेजमेंट, कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐप प्रोफाइल होगा शायद, पता नहीं, होस्टेड डीबी सेमिलर एट ए करेक्ट है, ये वो अलग था, ये अलग क्वेश्चंस है, टनल विथ लोकल प्रॉक्सी वन टाइम लिंक हो गई है, ये क्वेश्चन भी 2 बार 3 बार आया है, ये वन टाइम लिंक होगा ऐसा कुछ, ये देखो करेक्ट गलत आंसर है, इनक्लाइंड कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज टनल 4 नेटवर्क, इसमें चूज 4, मैंने एक को टिक कर दिया था, चूज 4 बोला था, तो ऐसा भी होगा, आप पढ़ के आंसर करिएगा, ये भी गलत आंसर, गलत। टू एन टी एम बी, हाउ मच आयो इस प्लेटफॉर्म 20 MB में हो जाएगा, ये डी एज ए वी एम, ये भी पहले भी आया, ये क्वेश्चंस पहले भी मैंने बोला चूज 4 3, तो मैंने गलत चूज किया था, ठीक है, ये राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, हाउ मेनी एन एस सी वी एम 2, देखो अभी ये करेक्ट आया, 2 कौन सा फाइल में होगा स्टोर, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट वाटर सेटिंग्स, चूज 4 ये भी, चूज 3, अच्छा ये गलत नहीं, सही हो गया, हाउ फ्रीक्वेंट बैंडविड्थ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन वंस पर सेकेंड अंडर द लोकेशन टैब, वायर बैंडविड्थ कनेक्टर ने बोला, अच्छा कहाँ पे आपको ये मिलता है, मतलब जो ऑप्शंस अंडर लोकेशंस में मिले, ये गलत हो गया, ये भी गलत, गलत, ये तो फिर आया, फिर गलत, लास्ट बार में भी ये गलत हो गया, ये कार्यकारी नहीं पाया मैंने, फॉर्मुलेशन कम्बिनेशन से भी नहीं हुआ, हाउ मेनी सॉरी हाउ डू यू कॉन्फिगर मल्टी कनेक्ट,
इंक्लाइंड कनेक्टेड टनल विथ लोकल गवर्नमेंट द सीएमओ द डोमेन बाईपास। अच्छा ये देखो, व्हाट टाइप ऑफ टनल डस क्लाइंट कनेक्टर यूज बाय डिफॉल्ट एंड कॉन्फिगर। ये बाय डिफॉल्ट इसका था इनक्रिप्टेड डीटीएलएस टनल है। ये टिकट पहले भी आया है, टिकट वाला बाबू। ये चार है ये, ओके ये क्वेश्चंस पहले भी आया है। तो दो टाइप का क्वेश्चंस है इस नंबर से आएगा, एक 10, ये 1440, और ये दो टाइप है इस क्वेश्चन में। पहले भी आया है मिनिमम बैंडविड्थ सेटिंग्स व्हिच टिकट प्रेसिडेंस। एग्रेसिव मोड में बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन द साइट इज अ डायनेमिक आई। जो मैंने बोला ना, मेन मोड और एग्रेसिव मोड में क्या डिफरेंस है। मेन मोड में आपका स्टैटिक आईपी चाहिए होता है, और एग्रेसिव मोड में आपका डायनेमिक आईपी मतलब यूआरएल्स दे सकते हो। ये देखो लोकल वॉरियर, ये पहले ठीक हुआ है। ऑल द ओल्ड डिवाइस विल बी अनएनरोल्ड। व्हाट इज द वैल्यू रिकमेंडेड क्रैकर थ्रेशोल्ड 16। लास्ट में शायद 8 में आके ठीक होगा, फिट होगा। व्हाट आर द फोर ऑप्शन द जिस क्लियर कर इंटरनेट फॉरवर्डिंग चूज फोर। उस फोर कर दिए 16। जिसके क्लाइंट कनेक्टर लिमिट 16 है, डिफॉल्ट डिवाइस लिमिट। ये गलत हो गया होस्टेड। ये पहले भी था। सही है, ये भी सही है। व्हाट इज द प्रॉक्सी ऑप्शन, चूज थ्री। इनफोर्स प्रॉक्सी नेवर अप्लाई नेटवर्क चेंजेस। ये पहले भी आया है, ये अटर विद लोकल प्रॉक्सी प्रोफाइल ओनली बैंड विद कैन प्रेजेंट व्हेन सीओए। पर सर सही है, ये भी सही है, लेकिन मेरा सही नहीं था। ठीक है, तो प्रॉब्लम ही हो गया था मुझे, मैंने ठीक से कोशिश तो किए थे। देखो 1 घंटा 19 मिनट लगाए थे इसमें, फिर भी हुआ नहीं, एक के लिए अटक गया। 45 पाना था मुझे 40। अब आखिर में आते हैं, आप लोगों का समय नष्ट नहीं करूंगा, और मैं पहले ही कहता हूँ, ये मैं किसी को, मैं ना पैसा कमाने ना कुछ ऐसे के लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी को हेल्प करने के लिए कह रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें मुझे लगा कि ये टाइम जो है, और जी स्क्लेयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत बच्चे, मतलब जो बच्चे नहीं है सॉरी, बहुत मेरा भाई है, वो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, जो उनको क्या है ना कि ये जी स्क्लेयर का डॉक्यूमेंट्स या नॉलेज के लिए वो लोग घूम रहे हैं। तो मैं, मुझे जितना मिला है उस बेस पे मैं इन लोगों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी बहुत सी ओपनिंग्स है, ये फ्यूचर में बहुत, फ्यूचर नहीं अभी भी, आप जी स्केलर में बहुत, ये देखिए 46 हुआ है इसका स्कोर, मैंने फाइनली पास किया था, तब कम लगा था, 1 घंटे के अंदर हो गया। सॉरी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जी स्केलर को भी मैं माफी मांग रहा हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया, गलत शेयर कर दिया। लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट का ही मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में गलत नहीं है, सब सही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये मैंने जो गलत आंसर भी दिए हैं तो उसमें भी इसने सही कर दिया, जो मैंने सही दिया वो तो सही दिखा ही रहा है, और जो जहाँ पे मैंने गलत कुछ बताया, ठीक है, मतलब जो मैंने, मेरा आंसर गलत था वो भी सही हो गया। मोड देखिए, ये होगा मोड एंड अनट्रस्ट मोड, ये 0 0 0 करेक्ट ही दिया था मैंने, ये भी करेक्ट है। वन टाइम टोकन, ये जो 3 बार गलत गलत, वन टाइम टोकन था फाइनल में, ये सही दिया है मैंने, ये भी सही है। ये देखो ये भी सही है। अच्छा, ये सीबीएस में इंपोर्ट कर सकते हैं हम इसको, इसका ट्रैफिक वेक्टर कैलकुलेटर कोटा सेटिंग्स।
वन बैंडविड्थ कनेक्टेड प्रेजेंट वीपीएन, ये मैंने सही दिया था। एंटरप्राइज होगा, वीएम भी नहीं होगा, क्लाउड नहीं होगा। तो मैं फिर से जिस क्लास से माफी मांग रहा हूँ अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ भाई। मैं किसी को ये नहीं करना चाहता। तो ये देखिए, ये भी सही था। चूज टू इन सर्विस, लेकिन आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, इसका जो वीडियो है, जो मतलब क्या वीडियो का मतलब, जो इन्होंने जो सेल्फ कोर्स, सेल्फ स्टडी वाला कोर्स, बहुत बढ़िया है। आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। इवन यू कैन क्या कहते हैं उसको, आपको ना वो ऐसे मतलब आपने चला के चला गया ऐसा नहीं है, आपको बैठे रहना होगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा। इवन आपका वो जिस कलर का डैशबोर्ड में क्लिक कर कर करके दिखाना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो भी इस प्रोफेशनल कोर्स में दिया हुआ है। कि सोचो आपको कैसे पॉलिसी क्रिएट करोगे, क्लिक ऐड, क्रिएट पॉलिसी, उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा, वो आपको लिख के देगा, वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट इसमें अलाउ कर सकते। नहीं तो वहीं पे खड़ा रहेगा वो, आगे पीछे नहीं हुआ। कैसा होता है ना कि भाई मुझे एग्जाम पास करना है, नहीं ऐसा मत करिए, पढ़िए। बहुत खूबसूरत करके दिया हुआ है, मतलब आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। ये तो पहले क्वेश्चन था, बॉट एडी था, सॉरी। देखो ये पब्लिक सर्विस, ये सारे आंसर सही है, सिलेक्ट ऑल अप्लाई मैंने दो किए थे। अच्छा ये एक है, ये गेटवे में करो, ये भी सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये लास्ट में आखिर में 8 आया, देखा 16 32 2 सब ट्राई कर लिए थे लास्ट, पर ये गलत चला जाता तो 45 होता, फिर भी पास हो जाता। ये भी गलत गया, ये गलत ठीक था, क्योंकि ये तो पहले भी था, 1 टाइम पर सेकेंड। ये सही है, ये सही है, ये नेवर। तो जब आप इसको पास कर जाओगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आंसर, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक ये देखो 600 MB, मतलब एट ए टाइम आपको क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। ऑल द अप्लाइड नेटवर्क ट्रैफिक, करेक्ट आंसर, व्हाट इज द टनल लोकल कोर्स फॉरवर्डिंग ए पैक फाइल, टनल ट्रैफिक, ये भी गलत आंसर था लेकिन उसने दिखा दिया। लॉजिक एक ही है, आप जितना पढ़ोगे इसके बारे में, जितना जानोगे, आपको उतना ही आसान होगा आपके इंटरव्यू के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और काम करने के लिए। मैं बहुत टाइम देता हूँ जी स्केलर के पीछे, ठीक है। और आपको और भी एक आंसर, तो मैं जेडपीए का भी कंप्लीट कर रहा हूँ, जेडपीए का भी आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये तो मेरा लाइट ही बंद हो गया, चलो कोई नहीं। 128, ये इसका आंसर सही था। और टनल विथ लोकल प्रॉक्सी क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है, एवरी 6 आवर्स चाहिए, तो मैंने बहुत बार गलत दिए। अच्छा और एक क्वेश्चंस, अच्छा ये भी गलत था, अच्छा ये भी गलत था, नहीं ये तो सही था, ये अच्छा ये तो 2 सही था, मतलब एक भी मिस हो जाता चाहिए। टनल 0 होगा और टीएलएस होगा। इस बार फाइनली मैंने इसको पास कर लिया था, ठीक है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले वो टास्क जो है उसको पहले कंप्लीट करो, के बाद एग्जाम पे बैठो। आप लोगों को बहुत इजी लगेगा और इसको समझ भी पाओगे आप लोग। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको एक लैग भी एग्जाम देना पड़ता है, वो 2 दिन का होता है, 8 घंटे का ऐसा कुछ, या 2 दिन, हाँ 2 दिन या 1 दिन का, के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सबको, एंड जी स्किलर को भी थैंक यू सो मच टू प्रोवाइडिंग दिस अ ब्यूटीफुल कोर्स। मतलब ये नहीं, सब के बारे में जितना भी आपने एडमिन का दिया है, प्रोफेशनल का दिया है, जेडपी एडमिन, जेडपी प्रोफेशनल, जो भी है, जीरो ट्रस्ट, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सारे के सारे। एंड अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो सॉरी जी स्केलर, कभी ना कभी जी स्केलर में भी नौकरी करूंगा।
यही इसी के लिए इतना पढ़ रहा हूँ, जिस क्लब में जाने की मन है। चलिए, थैंक यू अगेन, बाय, सबको खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।